बीजेपी शासित एमसीडी, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि विश्व की सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक होगी। केंद्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करके जुमले सुनाकर एक सरकार बनी, एक साल से वो सरकार है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली में जब चुनाव प्रचार अभी अपने चरम पर था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी मीटिंगों में कहते हुए पाए जाते थे कि दिल्ली को केंद्र से चलाने का अधिकार मोदी जी को दीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। एक साल से दिल्ली की जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है कि एमसीडी में क्या सुधार हुए। 22,000 कर्मचारी दिल्ली के अंदर घोस्ट इंप्लॉयज हैं। जी, घोस्ट इंप्लॉयज क्या होता है? घोस्ट इंप्लॉयज का मतलब इनकी सैलरी तो जाती रहती है पर फिजिकली ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, इनके वर्क और एलोकेशन की जिम्मेदारी कहां से तय होती है, ये किसके प्रति अकाउंटेबल है, ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में है तो एक बहुत बड़े जांच का मसला है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी, लगभग 1800 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था एमसीडी को। आज जब सैलरी का अनुदान देने की बात आती है, एमसीडी कहती है भाई साहब वो लोन तो भूल जाओ, हमें और पैसे चाहिए, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हम, हमें और पैसे चाहिए। हमने कहा बात ठीक है, लेकिन एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी एमएचए को तय है, क्या वो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? 1800 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, उन पैसों का हिसाब किताब लेने के लिए दिल्ली सरकार या दिल्ली की जनता किसके पास जाए, यह बड़ा प्रश्न है। अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एमसीडी के लिए किया था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस 2000 करोड़ रुपए में से एक रुपया भी दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया और दिल्ली के कर्मचारियों के लिए मोदी जी की सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का, ये एक और बहुत बड़ा यूटर्न है, उनके पेट पे लात मारने के बराबर है। हम तमाम दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे वोटर हैं और इस हिसाब से वो हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन उन्हें साथ ही साथ ये पता होना चाहिए, एमसीडी के हमारे तमाम भाइयों को यह पता होना चाहिए कि आज उनके घर में अगर चूल्हा नहीं जल पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। हमें महसूस हो रहा है कि यह सजा दिल्ली के लोगों को सिर्फ इसलिए मिल रही है कि उन्होंने झाड़ू को और आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, तो अब इसमें भूमिका पार्टी की भी आती है। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, वो अपना काम करती रहे, लेकिन पार्टी अब इन सारे मसलों पर खामोश नहीं बैठ सकती है।